स्टूडेंट्स जब एग्जाम में पार्टिसिपल का क्वेश्चन आता है तो उसे देखकर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स तो एग्जाम में अटेम्प्ट भी नहीं करता उस क्वेश्चन को देखकर, बट मेरी गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद में पार्टिसिपल का क्वेश्चन आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। आज मैं आपको डिटेल्ड पार्टिसिपल के सारे टाइप्स, शादी कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें विद एग्जाम्पल्स बताऊंगा। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा एक एक्सरसाइज जो करनी है आपको सॉल्व, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर एग्जाम में गेन कर सके। चलिए स्टूडेंट्स हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स अगर आपने जीरण पर बेस्ट वीडियो हमारा नहीं देखा तो यहां से आई बटन को प्रेस करके उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आज मैं पार्टिसिपल में आपको सारी चीजें डिटेल बता रहा हूं। सबसे पहले हम लोग पार्टिसिपल के टाइप्स की बात करते हैं तो आपको बता दूं स्टूडेंट्स में पार्टिसिपल आपके तीन प्रकार के होते हैं। बहुत ही केयरफुली सुनिएगा, अगर आप राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं तो पार्टिसिपल के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही एग्जाम्स में भी आता है। हम लोग अगर सबसे पहले इसकी कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहला पार्टिसिपल होता है स्टूडेंट्स प्रेजेंट, सेकंड होता है पास्ट, और थर्ड आप सोच रहे होंगे फ्यूचर। जी नहीं, थर्ड होता है परफेक्ट। जी हां स्टूडेंट्स, पहला पार्टिसिपल होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। मतलब आपके पार्टिसिपल हो जाते हैं तीन प्रकार के। पहला हो जाता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा हो जाता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और थर्ड हो जाता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, राइट? तो कुछ इस तरीके से आपके जो है तीन पार्टिसिपल होते हैं। सबसे पहला अगर हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक वर्ब दे देता हूं। सबसे पहले तो इसको आप समझिए कि लगते कहां है। ये यूज होते हैं स्टूडेंट्स वर्ब की फॉर्म के साथ में, एक्शन के साथ में, क्रिया के साथ में यूज होते हैं। मतलब आप एक वर्ब ले लीजिए, जैसा आपने एक वर्ब ली मान लो ब्रेक, अगर इस ब्रेक के साथ में आप लगा दोगे आईएनजी तो ये हो जाएगा ब्रेकिंग। आपने एक वर्ब ली स्पीक, उसके साथ में आप आईएनजी लगा दोगे स्पीकिंग, तो ये जो ब्रेक और स्पीक है ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एडजेक्टिव की तरह मतलब कि विशेषण की तरह कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको याद रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगता है, पास्ट पार्टिसिपल में वो आपकी थर्ड फॉर्म लगती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग लगकर आपका V3 लगता है। सबसे पहली फुर्सत में तो ये तीन चीज आप बहुत अच्छे से याद रखें। ब्रेकिंग और स्पीकिंग का जो मतलब होगा स्टूडेंट्स, ब्रेकिंग का मतलब होगा टूटते हुए, और स्पीकिंग का मतलब होगा स्टूडेंट्स बोलते हुए, राइट? मतलब जब आप अपने सेंटेंस में एज एडजेक्टिव इनको आप यूज करेंगे तो ये पार्टिसिपल के रूप में, आईएनजी के रूप में यूज होंगे। मैं विद एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं, बहुत ही केयरफुली आप देखेंगे। जैसे देखिए आपने कहा मैंने एक टूटता हुआ तारा देखा, कमॉन ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट्स फोकस करेंगे, मैंने एक टूटता हुआ तारा देखा। आप यहां देखेंगे स्टूडेंट्स टूटता हुआ, ओके तो टूटते हुए क्या लगेगा उसके लिए ब्रेकिंग, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई सॉ अ ब्रेकिंग स्टार, कम ऑन आई सॉ अ ब्रेकिंग स्टार, राइट? मैंने एक टूटती हुई पत्ती देखी, पेड़ से एक पत्ता जो है वो गिरा, तो आई सॉ अ ब्रेकिंग, अब तो इस तरीके से यूज करेंगे नहीं आप, गिरता हुआ था वो, तो फॉलिंग लीफ, या आप कहेंगे मैंने कुछ टूटती हुई पत्तियां देखी, तो आई सॉ सम फॉलिंग लीव्स। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स फॉलिंग लीव्स, ब्रेकिंग स्टार, सो यू कैन सी ओवर हियर फॉलिंग, ब्रेकिंग, स्पीकिंग, बोलते हुए, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। बहुत ही अच्छे समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि कंफ्यूजिंग टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी और आसान है। देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपने बोला जब मैं वहां गया तो मैंने एक वहां भोंकता हुआ कुत्ता देखा, तो मैंने एक वहां एक भोंकता हुआ कुत्ता देखा या पाया, तो पाया मतलब फाउंड, आई फाउंड अ बार्किंग डॉग। बार्किंग डॉग मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैसा कुत्ता, भोंकता हुआ कुत्ता, तो आई फाउंड अ बार्किंग डॉग। एक प्रोवर्ब भी है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ओके तो यहां पर ये जो बार्किंग डॉग आपका ये यूज हुआ है स्टूडेंट्स, ये आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका मतलब निकल रहा है भोंकता हुआ कुत्ता, ब्रेकिंग स्टार टूटता हुआ तारा, फॉलिंग लीव्स गिरती हुई पत्तियां। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं पास्ट पार्टिसिपल, ये थोड़ा सा मैं क्लीन कर दूं।
नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं पास्ट पार्टिसिपल। हम लोगों ने देखा कि कोई काम होते हुए, ये आ रहा था आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या आता है आपका? पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि V3 यूज होता है, जिसमें कि आपको वो आपकी थर्ड फॉर्म लगानी। जैसे हम लोग ब्रेक की बात करें तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म होगी स्टूडेंट्स ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब होगा टूटा हुआ, मतलब कि यहां पर काम पूरा हो जाता है। फॉलन लीव्स, गिरी हुई पत्तियां। फॉलन एंजल्स, हारे हुए। लॉस्ट मैच, LOST, लॉस्ट मैच, हारा हुआ मैच, है ना। तो इस तरीके से जितने भी आपके V3 है, वो सारे के सारे V3 जो है आपके किसकी तरह काम करेंगे? आपके पास्ट पार्टिसिपल की तरह काम करेंगे। जैसे आपने कहा मुझे कुछ गिरी हुई पत्तियां दिखी, तो आई फाउंड सम गिरी हुई पत्तियां, मतलब फॉलन लीव्स। और उसमें अगर आपको याद हो तो पहले हमने जो सेंटेंस लिखा था वो क्या लिखा था? आई सॉ सम फॉलिंग लीव्स। अच्छा, इन दोनों के सेंटेंसेस के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस की अगर आप बात करें तो यहां है फॉलिंग और यहां है फॉलन। दोनों में डिफरेंस ये है। अब ऐसा करिए, काम करिए, यहां भी आप सॉ लिख लीजिए तो आप किसी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स देखेंगे कि सर ये भी तो डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर आई सॉ सम सम फॉलिंग लिप्स एंड फॉलन लिप्स। तो फॉलिंग लिप्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स गिरती हुई पत्तियां, मतलब ये पत्तियां क्या हो रही थी स्टूडेंट्स? गिरती हुई पत्तियां, मतलब जो पत्तियां थी वो क्या हो रही थी? गिर रही थी। और नीचे वाला जो सेंटेंस है आई सॉ सम फॉलन लिप्स, इसका मतलब है कि वो पत्तियां गिर गई थी, इसका मतलब होगा गिरी हुई पत्तियां। ओके, ऐसे देखो आई सॉ अ स्पीकिंग पैरट, मैंने एक बोलता हुआ तोता देखा। आई फाउंड अ स्पीकिंग पैरट। नाउ यू कैन सी गाइस, आई फाउंड मतलब मुझे मिला अ स्पीकिंग पैरट, एक बोलता हुआ तोता। मैंने मुझे एक बोलता हुआ तोता मिला, या मैंने एक बोलता हुआ तोता देखा या पाया, जो भी है, राइट। तो यहां पर ये जो लगा है आपका स्पीकिंग पैरट गाइज, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और आई फाउंड अ स्पोकन पैरट, बोलता हुआ नहीं आएगा, बोला हुआ तोता, चूंकि वो ऐसे सेंटेंस हम यूज नहीं करते हैं, राइट, दैट इज वाई उसमें ये यूज नहीं हो पाएगा आपका। सो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब कि काम होते हुए, पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि काम हो गया। जिसे मैंने कहा दे won a lost match, come on, समझना इस सेंटेंस के मीनिंग को। दे won, वे जीते a lost match, कैसा मैच जीते वो? एक हारा हुआ मैच जीते, मतलब ऐसा मैच जो कि वो हार चुके थे, जिसको वो जीत गए। तो a lost match मतलब एक हारा हुआ मैच, जो कि क्या है यहां पर? lost आपकी, वो आपकी थर्ड फॉर्म है, जो कि किसके रूप में काम कर रही है? एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रही है गाइज। ये आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल। इन शॉर्ट आई वॉन्ट टू से कि आप इसके कंसेप्ट को समझिए कैसे वर्क कर रहा है। मैं अभी आपको लास्ट में एक्सरसाइज भी दूंगा कि आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल उसको केयरफुली सॉल्व करेंगे। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा लोग, नाउ स्टूडेंट्स अब मैं बात कर रहा हूं परफेक्ट पार्टिसिपल की। तो मैं बता दूं परफेक्ट पार्टिसिपल की आपके बारे में आपको एक अच्छी बात, ये दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं एक्टिव वॉइस में और दूसरे होते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से होता है हैविंग V3, और पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स हैविंग के बाद में आता है बीन और फिर आता है आपका V3। तो दोनों को आप थोड़ा समझिए, मैं दोनों के एक एक एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा हैविंग डन माय जॉब आई केम हियर, ओके। एंड दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं हैविंग बीन डन इट It will be sent to you. Now guys, देखिए दो examples मैं आपके सामने लिख रहा हूं, example A, example B, बहुत ही carefully आप लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं having done my job, मतलब हो गया आपका कि मेरा job करने के बाद में, इसका मतलब निकल रहा है कर या करके,
ठीक है, हैविंग डन माई जॉब, मेरा जॉब करके, हैविंग स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश बोल के, हैविंग गॉन देयर, वहां जाकर, हैविंग कम हियर, यहां आकर, तो हैविंग के बाद में आपको क्या यूज करना है, बी V3 यूज करना है, वो आपकी थर्ड फॉर्म यूज करना है। और जब आप उसका पेस्यू बनाएंगे तो पेस्यू में आपको बीन लगा देना है। अब इसका मतलब होगा हैविंग स्पोकन इंग्लिश, तो इसका मतलब होगा इंग्लिश बोलकर, हैविंग बीन स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश बोली जाकर, ओके, इंग्लिश बोली जाकर, बहुत रेयरली इनका यूज होता है, बहुत रेयरली इनका यूज होता है, कोई ज्यादातर ये यूज होते नहीं है, दैट इज वाई दे लिटिल बिट क्वाइट डिफरेंट। यू कैन सी द एग्जाम्पल, हैविंग बीन डन इट, मतलब इसको किया जाकर, इसका मतलब यहाँ निकल रहा है, इसको किया जाकर, इट विल बी सेंड टू यू, या आपको सेंड कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो इट है, चूंकि ये प्रोनाउन है, ये भी इसका प्रोनाउन बना है, मतलब इसको किया जाकर आप कुछ भी काम हो सकता है, ठीक है। हैविंग बीन डन दिस जॉब या दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को किया जाके, इट विल बी सेंड टू यू, आपको सेंड कर दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यू विल बी इन्फॉर्म्ड, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, इट विल बी सेंड टू यू, आपको सेंड ये कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये वर्क करता है। अब उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये तीनों पार्टिसिपल समझ में आए होंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल एग्जाम में नहीं आता, इसको लेकर ज्यादा टेंस्ड मत होना, क्योंकि इसमें ज्यादा हो जाओगे, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये दो चीजें जिसको अच्छे समझिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें लगता है आईएनजी, और पास्ट पार्टिसिपल जिसमें लगता है V3। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें कि आईएनजी लगता है, आईएनजी लग गया मतलब कि आप समझो, अगर आपने कहा डाइंग लायन मतलब कि मरता हुआ शेर, और डेड लायन मतलब होता है मरा हुआ शेर, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूं इनकी एग्जांपल्स, और साथ ही आपको बताता हूं कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मैं लाया हूं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए, आप देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चार क्वेश्चंस आपको दिए हैं। सबसे पहले दिया है यू कैन हियर हिम, ही इज सिंगिंग, इसको कंबाइन करना है, कंबाइन दी सेंटेंसेस ए एंड बी बाय यूजिंग पार्टिसिपल, आपको पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस ए और बी को कंबाइन करना है। तो इसका आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स केयरफुली देखेंगे, यू कैन हियर हिम, ही इज सिंगिंग। अब अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो आपने उसको क्या करते हुए देखा भाई, सिंगिंग करते हुए देखा, सॉरी आप सुन सकते हो वो गा रहा है, तो यू कैन हियर, सॉरी यू कैन हियर हिम सिंगिंग, राइट। नाउ गाइज यू कैन सी, यू कैन हियर हिम सिंगिंग, मतलब आप सुन सकते हो उसको सिंगिंग करते हुए, कम ऑन, यू कैन हियर हिम सिंगिंग। सो गाइज दिस इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल, मे बी आपको दिया जा सकता है, कंबाइन द सेंटेंस ए एंड बी बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हुए सेंटेंस ए और बी को कंबाइन करो, तो ये आपको लिख देना है, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, आई फाउंड सम बॉयज इन द फॉरेस्ट, दे वर हंटिंग, मैंने जंगल में कुछ लड़कों को को पाया या देखा, दे वर हंटिंग, वो शिकार कर रहे थे। तो जब आप इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ोगे, तो आप ये जो सेंटेंसेस है ये तो एज इट इज लिखोगे, इन द फॉरेस्ट को आपको लास्ट में लगा देना है, और इतने को आपको अलग से लगाना है। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द आंसर, दैट आई फाउंड सम बॉयज Hunting in the forest. Come on. क्या बोलेंगे आप लोग? I found some boys hunting in the forest. मैंने कुछ लड़कों को जंगल में hunting करते हुए पाया, hunting करते हुए देखा. Right? So I found some boys hunting in the forest. तो कुछ इस तरीके से आपका सेंटेंस ए और बी जुड़ेगा। आपको जो एक्सरसाइज करने, जो कमांड करने के लिए दी जाएगी, वो ये दी जाएगी, कंबाइन द सेंटेंस ए एंड बी बाय यूजिंग पार्टिसिपल, या फिर कहा जाएगा कंबाइन द सेंटेंस ए एंड बी बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आपको ये देखना है कि आईएनजी किस में लगा है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको करने के लिए दिया गया है, तो दिमाग क्लिक कर लेना कि जिसमें भी आईएनजी लगा है वही आपका एड होगा, और उसके साथ जो भी लगा है वो हट जाएगा। अब देवर क्यों हटा दिए? क्योंकि आपने सम बॉयज लगाया, सम बॉयज का प्रोनाउन दे बन रहा था, तो उसको हटा दिया हमने। सो आई फाउंड सम बॉयज हंटिंग इन द फॉरेस्ट, कुछ इस तरीके से आपका ये बनेगा। इसके बाद जो थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है, ये आपको ऑप्शनल दिया है, इसमें आपको दो ऑप्शन दिए हैं, दे
द लेसन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग की इंटरेस्टेड. तो पहले तो इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग दोनों समझो, ये दोनों आपके एडजेक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स. ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है. पास्ट पार्टिसिपल इंटरेस्टेड यूज होता है आपका पर्सन के लिए और ये यूज होता है थिंग्स के लिए. तो यहां पर बात किसकी हो रही है, लेसन की हो रही है. तो लेसन इंटरेस्टिंग होगा कि इंटरेस्टेड होगा, इंसान इंटरेस्टेड होता है भाई, चीजें तो इंटरेस्टिंग होती है. सो द राइट आंसर विल बी इंटरेस्टिंग. तो आपका आंसर आएगा द लेसन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. कम ऑन, द लेसन वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश. आपने कहा मैं इंग्लिश सीखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, तो आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि आई कौन हो गया, पर्सन हो गया. तो पर्सन के साथ इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका किसके साथ लगेगा, चीजों के साथ में. इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सिटी वॉज बैडली डैमेज्ड ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर एंड द सिटी वॉज बैडली डैमेजिंग ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर. मुझे बताइए सिटी जो है बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई कि हो रही है, डैमेज हो रही है. भैया नेचुरल डिजास्टर जब आई थी तो सिटी डैमेज हो गई. हो गई मतलब कि क्या लगेगा, जो भी काम हो गया और हो रहा. हो रहा मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और हो गया मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल. सो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज के माध्यम से आपको समझ में आ गया कि करना क्या है. अब मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपको करने के लिए दे रहा हूं, जिनके आंसर्स आपको मुझे कमेंट करके बताना है. चलिए शुरू करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स एक छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं बोर्ड पर. आई वॉज ब्लिंक डिस्टर्बिंग डिस्टर्ब्ड व्हेन यू डायरेक्टली केम इन टू माई रूम. तो आपको यहां पर डिस्टर्बिंग और डिस्टर्ब्ड में से किसी एक को फिल करना है. आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि सही आंसर क्या है. शी वॉज वेरी अम्यूजिंग बाय हिज रिएक्शन या अम्यूज बाय हिज रिएक्शन. थर्ड, द वेब सीरीज वॉज सो बोरिंग सो बोर्ड दैट आई फेल स्लीप. इतनी ज्यादा बोरिंग थी कि मैं सो गया. आई फेल अस्लीप आएगा गाइज यहां पर, ठीक है. आई फेल अस्लीप. नेक्स्ट, हैविंग बोरिंग हैविंग बोर्ड He made me call. बोर होकर उसने मुझे कॉल किया. तो आप समझ ही गए होंगे having लिखा है मतलब क्या आना चाहिए. No need to explain, you already know this. I have a blank parrot. तो talking parrot या talked parrot at my home. So guys ये थे आपके participles. उम्मीद करता हूँ कि इन participles का आप लोगों ने correct use सीखा होगा. वीडियो अच्छा लगा है फटाफट लाइक करके वीडियो को शेयर कर दो और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो जो स्कूल गोइंग है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इस एग्जाम में स्कोर करे. थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.